साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की एक जबरदस्त रेमेडी दे रहा हूं। आपको किसी के पास नहीं जाना है, कुछ खिलाना नहीं है, कुछ पिलाना नहीं है, बस घर में बैठे बहुत ही आसानी से आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप लोग यदि किसी भी क्रिया को करते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अपने आप को एकदम सकारात्मक रखें कि मैं ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं एक कर्म कर रहा हूं या कर रही हूं, है ना। तो यदि पति पत्नी में बहुत ज्यादा अनबन हो गया है तो वो भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसे आप काफी टाइम से निभा रहे हैं लेकिन वो अब टूटने की कगार में, तब भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी को गलत इरादे से नुकसान पहुंचाने के लिए आप उस उपाय को नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं तो इसका रिजल्ट होगा बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि प्रकृति के नियम को हम चेंज नहीं कर सकते। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम कोई भी रेमेडीज नहीं कर सकते, है ना। और आज का जो प्रयोग है, आप किसी भी सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में और रविवार के दिन में सुबह में सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में कर सकते हैं। सामान की बात करें तो आपको सिर्फ एक 10 का सिक्का लेना है, 10 रुपीज का कॉइन ले लें, एक प्लेन पेपर ले लें। अगर भोजपत्र ले लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। भोजपत्र आपको इजिली मार्केट में पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहां पर इजिली आपको मिल जाएगा। छोटा सा एक पीस भोजपत्र का ले लें और एक रेड मार्कर ले लें या फिर अष्टगंध कुमकुम हल्दी का पेस्ट। अगर अष्टगंध हल्दी और कुमकुम का पेस्ट बना रहे हैं तो अनार की कलम लेंगे, अनार की लकड़ी। नहीं तो अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं है आपके पास में तो आप रेड मार्कर ले सकते हैं या रेड पेन भी ले सकते हैं। शुद्ध तन मन के साथ में इस प्रयोग को करना है। जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे उस दिन ब्रह्मचर्य से रहेंगे, महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगी। और नॉनवेज ड्रिंक एल्कोहल जिस दिन प्रयोग करेंगे उस दिन आपको नहीं लेना है। कोई भी स्टोन ताबीज आपने ना पहना हो। इन सब रूल्स को यदि फॉलो करके आप इस रेमेडी को करेंगे 100% आप देखेंगे कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने आज किया और आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि वशीकरण की विधि जो होती है एक तांत्रिक क्रिया है। किसी के दिमाग को चेंज करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपको 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज या 41 डेज तक पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। काफी लोग कहते हैं कि एक दिन में हो जाएगा, एक घंटे में हो जाएगा, तो दोस्तों ये कोई बच्चों का हंसी खेल नहीं है, है ना। हम प्रकृति कुदरत के मतलब सहारा ले रहे हैं, तो इसमें योग जब बनते हैं कभी कभी तो 19 डेज भी लग जाते हैं, है ना। और एक कंडीशन ये होती है कि जिस व्यक्ति को आप वशीकरण कर रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर यदि पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है या तांत्रिक प्रोटेक्शन है या उसका वशीकरण है पहले से, तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी जब तक कि आप उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव नहीं करते। तो ये विधि यदि आप करने में असमर्थ हैं, यदि आप किसी पर काफी ट्राई कर रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया है। ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। परिवर्तन आप 11-21 दिन में देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं काफी मेरे पास में फोन आते हैं कि ठगी में फंस गए, जिनको तो ABCD नहीं पता होती है, ऐसे लोग भी तांत्रिक बने बैठे हैं। लोग आपको ठग लेते हैं, लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं। जिनको पता नहीं होता तो थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे, ठीक है। ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको ABCD भी नहीं पता होती है, वो भी तांत्रिक बन जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं और फिर आप लोगों से पैसा लेके आपको ठग लेते हैं। तो ऐसे किसी भी केस में आप लोग ना फंसे, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, कंडीशन को समझें, उसके बाद ही किसी से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। और आज का जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं ये किसी भी सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में, रविवार के दिन में सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में आपको करना है। अपने हाइट के बराबर एक काला धागा भी आपको लेना है, ठीक है। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी खास जानकारी यहां से प्रसारित करूं आपके काम की हो तो आपसे मिस ना हो, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाए और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि दोस्तों आपके जिंदगी में और भी कोई परेशानी चल रही है, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्ज की समस्या है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में, और या फिर घर में ग्रह शांति नहीं है, ग्रह कलेश है, पति पत्नी में अनबन है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं
बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, और यदि बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे द्वारा राहु ग्रह की शावर मंत्रों के द्वारा बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए एक विशेष पूजा का अनुष्ठान किया जाता है। 18 दिन की ये पूजा होती है। 18 दिन में आपको अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, मान सम्मान, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि राहु जो है कलयुग के देव हैं। जिसने राहु ग्रह को बैलेंस कर लिया उसने जग जीत लिया। तो विशेष पूजा 18 दिन की होती है। आपके फोटो, आपके नाम के द्वारा, संकल्प के द्वारा आपके बर्थ चार्ट में राहु ग्रह को बैलेंस कर दिया जाता है। अगर इस पूजा की बुकिंग कराना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रयोग करेंगे दोस्तों, आप सुबह में एकांत कमरे में आपको बैठ जाना है, नीचे आपको आसन लगाना है, सिर पे कपड़ा रखना है, सामने पटरा लगाएं, पटरे में कपड़ा बिछाएं, एक दिया आपको जला लेना है, घी का दिया जलाएंगे, ध्यान रखना है पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा। अब आपको क्या करना है, अगर अष्टगंध लिया है, कुमकुम लिया, हल्दी लिया है, तो इसका गुलाब जल से पेस्ट बना के, अनार की कलम से, और वो भी नहीं है तो फिर बाद में रेड मार्कर से जो भोजपत्र होगा उसके चारों तरफ आप बना देंगे स्वास्तिक, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसे आप वशीकरण कर रहे हैं, ठीक है। ये दो काम आपके हो गए। अब नीचे आपको एक मंत्र लिखना है, कामदेव का मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र मैं यहां पर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ये मंत्र यहां दे देता हूं तो इस मंत्र का और चैनल वाले भी इसका मिसयूज करेंगे, सब जगह फैलाएंगे, तो मंत्र का मिसयूज ना हो इसलिए मंत्र मैं यहां आपको नहीं दे रहा हूं। मंत्र आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें, आपको मंत्र दे दिया जाएगा, ठीक है। मंत्र लिखेंगे, उसके बाद में आपने जो 10 का सिक्का कॉइन लिया हुआ है, जहां पे प्लस का निशान लगाया था वहां पर सिक्के को आपको रख देना है, ठीक है। सिक्का आपने रखा, अब कागज को धीरे धीरे आप क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में जो काला धागा आपने लिया था अपनी हाइट के बराबर, उस धागे को आप लपेटते जाएंगे और मंत्र बोलते जाना है, लपेटते जाएंगे, मंत्र बोलते जाएंगे। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसमें दो गांठ लगानी है, एक जब गांठ लगाएंगे तो अपना नाम लेंगे, दूसरी गांठ लगाएंगे तो उस व्यक्ति का नाम लेंगे। आपको बहुत टाइट बांधना है इसको, जितना टाइट आप इसको बांधेंगे उतना टाइट, यानी कि उतना ज्यादा इफेक्ट इस पर पड़ेगा, उतना ज्यादा जोरदार आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। तो पूरी ताकत से अच्छे तरीके से इसको गांठ लगाना है और टाइट बांधना है। अब इसको सीधे हाथ में रखेंगे और जो मंत्र है, जो मंत्र आप मुझे व्हाट्सएप से प्राप्त करेंगे, उस मंत्र को 251 बार आपको पढ़ना है। मंत्रों की काउंटिंग करेंगे तो बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि एक मंत्र भी आगे पीछे होता है तो रेमेडीज वर्क नहीं करेगी, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में गलती की गुंजाइश होती ही नहीं है, ठीक है। मंत्र आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद में इसको क्या करेंगे, आप अपने पिलो तकिया जो होगा उसके कवर के नीचे इसको परमानेंटली आपको रख लेना है। कम से कम दोस्तों 7 या 11 दिन में आप देखेंगे इसका रिजल्ट आना शुरू होता है, 7 से 11 या 21 दिन में। तो ये प्रयोग करने के बाद में थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और बस वेट करें कि देखेंगे आपको अपने तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं करना, अगला व्यक्ति खुद ही आपसे कांटेक्ट करेगा। इस प्रयोग को आप शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, अगर शत्रु आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है तो उसका इसी रेमेडी को उस शत्रु के लिए कर सकते हैं, वो शत्रु एकदम नॉर्मल हो जाएगा आपका, आपसे उसका मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रयोग आप करेंगे सोमवार के दिन में, बुधवार, शुक्रवार या रविवार के दिन में। बस मैंने जो कंडीशन बताई है, नॉनवेज ड्रिंक, एल्कोहल, तावीज वगैरह कोई भी चीज ना पहना हो, और पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। और मंत्र यदि आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आपको मंत्र दे दिया जाएगा। और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि मैं यहां से बिल्कुल भी आपको इजाजत नहीं दूंगा कि किसी की नुकसान पहुंचाने के लिए गलत इरादे से प्रयोग को ना करें। आपके इरादे नेक हैं, मकसद आपका जायज है, तो 100% वर्क करेगा और रिजल्ट आपको देगा। और किसी के भी दोस्तों ठगी में फंसने की जरूरत नहीं है, फ्रॉड लोगों से दूर रहें। और जैसा कि मैंने बताया, किसी व्यक्ति पर पहले से कोई अगर वशीकरण है, तांत्रिक क्रिया है, तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए। ऐसी कंडीशन में यदि ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड वाले कोई काम नहीं होते हैं, आप लोगों की हेल्प की जाती है। तो यदि आप लोग हेल्प लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, जानकारी को अच्छे से समझें, उसके बाद में इस उपाय को करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। रेमेडी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, जो 7 से 11 या 21 दिन में 100% रिजल्ट दिखाती है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग या फिर बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, या राहु की विशेष पूजा बुकिंग कराना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। तो आज के लिए नहीं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।
आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।